च्वाइस सेंटर की अनावश्यक शुल्क हेतु जिलाधीश को लिखा पत्र। किसान नेता अश्वंत तुषार साहू ने श्रीमान जिलाधीश महोदय महासमुंद को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें महासमुंद जिला अंतर्गत आने वाले सभी लोक सेवा केंद्र एवं 24 सेंटरों में मनमानी फीस वसूलने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति शासन के नियमानुसार B1 एवं खसरा नक्शा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, जिसका लोक सेवा केंद्रों द्वारा शुल्क लिया जाता है। वहीं भवन निर्माण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के लिए भी मनमानी ढंग से शुल्क वसूल किया जाता है। वहीं इसकी जानकारी सूचना पटल पर भी 24 सेंटरों में नहीं लिखा जाता, जिसका उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए अनावश्यक शुल्क वसूली के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया है। नमस्कार साथियों, मैं किसान नेता अश्वंत तुषार साहू, महासमुंद विधानसभा। आज मैं कलेक्टर महोदय को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया हूँ कि छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधक विभाग मंत्रालय नया रायपुर को पत्र क्रमांक 3461 आ भू आ सर्वे तथा अनु 21 नया रायपुर में दिनांक 6/9/19 को प्रेषित पत्र खसरा क्रमांक B1 डिजिटल युक्त प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, परंतु लोक सेवा केंद्रों में B1 P2 विभिन्न डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि प्रदान नहीं किया जाता। लोक सेवा केंद्रों में भर्ती शासन के द्वारा अनुबंध 24 सेंटरों में भी भवन अनुज्ञा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, विवाह पंजीयन, सीमांकन प्रतिलिपि प्रदाय हेतु आवेदन पत्र का शुल्क प्रदाय कर लिपि का शुल्क वसूली हेतु सूचना पटल अभी तक स्थापित नहीं किया गया है और मनमानी वसूली किया जाता है, जिससे नागरिकों को भारी क्षति होती है। इसे लोक सेवा केंद्र और 24 सेंटरों में निर्धारित शुल्क भुगतान का सूचना पटल स्थापित करने के लिए कलेक्टर महोदय को निर्देश करने का अनुरोध किया गया है। जय जय भारत, जय सत्य। महासमुंद से खोमन साहू, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।